म्यूजिक में आपको FM, AM, USB, ब्लूटूथ ऑडियो, iPod। बट iPod? ये तो दिया ही नहीं है। iPod क्या किस काम का? ओ भाई, iPod क्यों दिया है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टाइटल रोज की डार्क एडिशन एक्सेड प्लस वेरिएंट है। इसमें आपको एक्सी प्लस, एक्सएम प्लस, XT एंड एक्सेड ऑप्शनल, एक्सेड वेरिएंट एंड एक्सेड प्लस वेरिएंट मिल जाते हैं। बट ये डार्क एडिशन आपको सिर्फ XT और एक्सेड, एक्सेड ऑप्शनल एंड एक्सेड प्लस वेरिएंट में ही अवेलेबल की गई है, चार वेरिएंट में। देख सकते हैं यहाँ पे फेंडर्स पे आपको डार्क के बैजिंग मिल जाती है, हैशटैग डार्क। चाहे इसका कोई भी वेरिएंट लें आप, फेंडर्स पे ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, तो वारियंस पे देखने को नहीं मिलते हैं। इस कार का साइड लुक है, 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, काफी अच्छे दिखते हैं अलॉय व्हील्स भी। साइज की बात करें तो 185 टायर साइज है विड्थ टायर की, एंड 60 ये है, ये पार्ट है, एंड 16 इंच का ये अलॉय है। अलॉय का डिजाइन इसका काफी अच्छा है, काफी कूल लगता है। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीद रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसके अलॉय अपग्रेड करने की जरूरत है, पर्सनल चॉइस है। बाकी इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, एंड ये है इसका साइड लुक। दोनों ही फेंडर्स पे आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप। अगर हेडलाइट सेटअप की बात करो तो आपको लो बीम मिल जाता है प्रोजेक्टर, एंड ये आपको हाई बीम मिल जाता है। लो बीम एंड हाई बीम से काफी अच्छी है, बट जो उसका हाई बीम है ना, वो मतलब थ्रो जो उसका काफी अच्छा है, बट जो स्प्रेड करता है हाई बीम वो उतना ज्यादा बेटर नहीं है। बट लाइट्स काफी अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस रात में आएगा चलाने में। एंड ये इंडिकेटर है, एंड ये आपको कॉर्नरिंग फॉग लैंप मिल जाता है, एंड ये DRL मिल जाता है। लेकिन जब भी आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो DRL ऑफ हो जाता है, फॉग लैंप स्टार्ट हो जाता है DRL, एंड हेडलाइट आप साथ में नहीं चालू कर सकते। टाटा की बैजिंग, यहाँ क्रोम फिनिश दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 165 mm मिल जाता है आपको। सब बोलते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस की इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। 165 mm इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड बलेनो i20 ये सब में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसमें आपको ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन मिलता है एज कम्पेयर टू बलेनो एंड i20। तो अगर आप 5 लोग इसमें बैठाते हैं तो उन कार से ज़्यादा लेडन जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बसता है वो इसमें ज़्यादा बसता है, बिकॉज इसमें स्टिफ सस्पेंशन मिलता है, एंड इसकी राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी सब एक नंबर है। बिकॉज मैंने भी सब कार चलाई हुई है इस सेगमेंट की, मुझे तो सबसे बेस्ट इसकी राइड क्वालिटी लगती है। इंजन तो नो डाउट कि बलेनो का काफ़ी अच्छा है, बट इसका भी कुछ ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। माइलेज ये भी अच्छा देती है। इसमें जो इंजन मिलता है, तीन इंजन ऑप्शन आते हैं अल्ट्रोज में, डीजल आता है एक, एंड एक आता है आई टर्बो मीन्स टर्बो पेट्रोल, एंड एक जो अभी मेरे सामने खड़ी वो है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। 1.2 रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 86 हॉर्स पावर एंड 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। भाई देखो आप, ये वाइट खड़ी है सदाबहार गाड़ी, जो कि कोई नहीं सोचता लेने से पहले, वाइट है तो हाँ ले लेते हैं, बट ब्लैक में मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा रहता है, स्क्रैच वगैरह कुछ टाइम बाद देखने लगते हैं बिकॉज डार्क कलर है ये। बट जिनको शौक है भाई मेंटेनेंस का एंड ऐसी बेहतरीन कार रखने का, तो बिकॉज मतलब तो वो लेते हैं। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं जरूर लीजिए भाई, इससे तो बेटर कोई दिखती नहीं है। डार्क एडिशन बहुत अच्छा टाटा का, आप खुद देख सकते हो उसका साइड लुक, बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा, क्या शाइन कर रही है। बिकॉज ये नई कार खड़ी है, बट हाँ ये सोल्ड हो चुकी है। सी, ये आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। ये जो वेरिएंट एक्सेड प्लस, इसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं, 4 आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं एंड 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं 100 वॉट के, एंड पावर्ड बाय हारमन। बहुत प्यारी साउंड क्वालिटी भाई, बहुत प्यारी साउंड क्वालिटी इसकी। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको, एक्चुअली मुझे भी नहीं दिख रहा था क्योंकि डार्क एडिशन कलर है। देखो ब्लैक कहाँ नोटिस हो रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे होंगे। अगर पीछे की बात करूँ, जिसका डिजाइन दिया गया आप देख सकते हैं, काफी प्यारा है यार, काफी प्यारा। रियर डिफॉगर मिल जाता है आपको, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, बट हाँ इसमें आप सबसे टॉप वेरिएंट भी खरीदेंगे 10-11 लाख का, उसमें आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, पावर एंटीना ही मिलता है। एंड आपको रियर में भी वाइपर मिल जाता है विथ वॉशर सिस्टम, वॉशर यहाँ पे है,
जिसका कलर कुछ टाइम बाद उड़ने लगेगा धोते धोते, ये कलर वाइट हो जाएगा। लाइट का नहीं सिर्फ वॉशर का जिससे पानी निकलता है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड ये सबसे टॉप वेरियंट है, तो इसमें आपको रियर फॉग लैंप भी मिल जाता है। पहले एग्जिट ऑप्शनल तक था 2021 में जब वो लॉन्च हुई ना टर्बो पेट्रोल 13 जनवरी को, उसके पहले तक एग्जिट ऑप्शनल टॉप वेरियंट था बिकॉज एग्जिट प्लस तभी से लॉन्च हुआ है, तो उसमें रियर फॉग लैंप आया करता था एग्जिट ऑप्शनल तक। बट अब रियर फॉग लैंप हटा दिया गया एग्जिट ऑप्शनल तक, अब सिर्फ आपको रियर फॉग लैंप टॉप वेरियंट में ही देखने को मिलेगा जो कि है एग्जिट प्लस, जो कि अपन अभी देख रहे हैं। इसका रियर लुक बहुत प्यारा दिखता है, आपको दिखाता हूँ थोड़ी दूर से। ये देखिए भाई क्या शाइन कर ही रहा है, बहुत प्यारी दिखती है कार, बहुत प्यारी। एंड ये जो नीचे दो ठो दिए गए रिफ्लेक्टर्स हैं, एक एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको एक। मैं सोचो भाई ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कोई भी दिक्कत नहीं आती ग्राउंड क्लियरेंस में, मैं खुद ओनर हूँ इसका, बहुत प्यारी है। ये देखो 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिल जाते हैं इसमें आपको, चारों ही डोर्स 90 डिग्री ओपन होते हैं। एंड यहाँ पे फैब्रिक फिनिश दी गई है आपको हाथ रखने के लिए, काफी अच्छा लगता है। डोर आप देख सकते हैं, ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है आपको डोर खोलने वाला डोर हैंडल। इंटीरियर देख लीजिए, उतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही होगी बट आपको समझ में आ रहा होगा इंटीरियर कैसा है इसका। यहाँ पे आपको निकालेंड की तरह एक लाइट मिल जाती है एम्बिएंट लाइट ब्लू कलर की, जिसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ इसका ब्राइटनेस धीरे और ऑफ भी कर सकते हैं उसको, एम्बिएंट लाइट को ब्लू कलर की। एंड उसकी जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ को डुअल टोन कलर मिल जाता है, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा दिखता है ये, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। डैशबोर्ड इसको इग्नोर करिएगा, कई लोग बहुत छुए हैं यहाँ पे, फिंगर्स के निशान है। बाकी एक चीज का अच्छा लगता है जो इसका डैशबोर्ड है, ये सामने से नीचे तरफ गया है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप आराम से रख सकते हैं वहां पे। बट हाँ विंडशील्ड में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूर आएगा धूप टाइम में। ये देखिए लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं आपको इसमें एंड एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर साइड की, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलती इसमें, इलेक्ट्रिक कोई भी नहीं है देख सकते हैं। ये अल्ट्रोस का ही एक्सेसरीज वाला पार्ट है। ये देखिए 15 लीटर का ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, वहां पे एसी दी गई है तो आप 5-6 बोतल आराम से बैठा सकते हैं, चार तो नीचे ही आ जाते हैं भाई आराम से। ऊपर डॉक्यूमेंट का अलग सेक्शन बना सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा बोतल अगर आपको रखनी है तो। इसको ऐसे बंद कर दिया, यहां भी स्पेस दिया गया है ये देखिए। बाकी सीट की जो क्वालिटी काफी अच्छी है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड पे, उधर से दिखाता हूं आपको, नहीं पहले रियर साइड चलते हैं, रियर सीट पे चलते हैं। ये देखिए 90 डिग्री जैसे मैं आप सभी को बता रहा था। चप्पल उतार के जाते हैं, क्या मतलब साफ रखें वो लोग खराब करने का। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, एकदम अच्छा तो नहीं है बट हाँ ठीक है। बाकी रिक्लाइन एंगल भी ठीक है कार का, अच्छा है, इतना रहना चाहिए। एंड अगर हेडरूम की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, मैं पूरा टिका हूँ, मेरी हाइट 6.1 है, इतना हेडरूम मुझे मिल रहा है पूरा अच्छे से बैठने के बाद, इतना जगह तो मिल ही रहा है ऊपर, 6.1 हूँ मैं। अगर थोड़ा सा सामने होकर बैठूंगा तो इतना, इसका हेडरेस्ट भी काफी कंफर्टेबल है। बाकी ऊपर भी आप रूफ देख सकते हैं, ब्लैक कलर का मिल जाता है आपको रूफ भी। भाई कार के अंदर बैठने में क्या लगता है यार, बहुत प्यारी लगती है। ये वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, बट हाँ ब्लैक कलर का। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पे एसी ऑफ कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं, मतलब वेंट से हवा आए ना आए। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेदर इट है, सब कुछ लेदर का मिलता है आपको, लेकिन विदाउट आपको कप होल्डर्स, आराम से यहाँ एक एक बॉटल जाती है एक एक लीटर की एंड काफी कंफर्टेबल है रखने में। यहाँ पे ट्विटर है एंड यहाँ पे स्पीकर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 8 स्पीकर मिल जाते हैं इसमें, 4 ट्विटर एंड 4 स्पीकर। बाकी आप देख सकते हैं स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड ये भी आपको लेदर का मिलता है। बाकी इसका इंटीरियर आप पीछे से देखिए, काफी सुंदर लग रही है कार, काफी सुंदर लग रही है। एंड जैसे कि मैं बता रहा था ये एनए पेट्रोल है, तो यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमी एंड सिटी मोड मिलता है आपको, ये इकोनॉमी एंड सिटी मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं गियर के पीछे से। अल्ट्रोस की बैजिंग है वहां पे, पहले वहां फिजिकल बटन आया करती थी बट एक साल करीब, मतलब कुछ महीने हो गए हैं, 6-7 महीने जिसमें उन्होंने फिजिकल बटन वहां से रिमूव कर दिए। बट उसको रिमूव किया तो अच्छी बात है, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी थोड़ा और बेटर यूआई देना चाहिए बिकॉज थोड़ा लैगी फील होता है।
अब चलते हैं सामने वाली सीट पे एंड देखते हैं क्या कैसा है। ये मैं बैठ गया, पीछे कर लेता हूँ भाई, बहुत आगे थी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, ठीक है। ये फ्रंट फॉग लैंप, ये रियर फॉग लैंप एंड ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है आपको। क्रूज कंट्रोल या इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, सेमी डिजिटल जिसको बोलते हैं, एंड इधर एनालॉग। एंड कार की कुछ इस तरह की है, टाटा का लोगो पीछे मिल जाता है, अनलॉक लॉक एंड ये फॉलो मी हेडलैम्प एंड बूट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, बट आपको मैनुअली जाके ओपन करना पड़ेगा, इसको दबाने से अपने आप ऑटोमेटिक बूट नहीं खुलेगा। एंड इसमें 5 गियर मिलते हैं, इसमें चाहे आप डीजल लें, टर्बो पेट्रोल लें या NA पेट्रोल लें, सब में आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं। 6 स्पीड आपको किसी में नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट नीचे भी स्टोरेज स्पेस मिलता है, थोड़ा बहुत पैसे वगैरह रख सकते हैं, पैसे आप यहाँ भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्सेसरीज की तरफ से होगी, बिकॉज ये ओल्ड कार है तो किसी की कार होगी जिसमें ये एक्सेसरीज में देंगे गणेश भगवान जी। एंड यहाँ पे आपको क्या बोले, कार परफ्यूम मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB चार्जर USB मिल जाता है जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, दोनों USB दे देना था यहाँ पे, एक फास्ट चार्जर एंड एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। काफी अच्छी लगती है कार, ये मैट फिनिश के साथ है, ये अलग ब्लैक है, ये अलग ग्रे कलर है, बहुत अलग मतलब बहुत बेहतरीन दिख रहा है, ग्रे मैट फिनिश है। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाती है एंड ये एक्सप्रेस कूलिंग के साथ आपको इसमें, बिकॉज ये एग्जेट प्लस वेरिएंट है तो इसमें एक्सप्रेस कूलिंग भी मिल जाती है जिससे ऑटोमेटिक विंडो डाउन होता है एंड कार काफी अच्छा कूल कर देती है तुरंत, गर्मी में काफी अच्छा काम आता है। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तो कुछ और बताएं लाइक नहीं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले एंड आपको एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, USB भी मिल जाता है एंड बाकी दिखा देता हूं एक बार, इसको बंद कर देते हैं, क्या मतलब बैटरी खत्म करने का अपने फायदे के लिए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, डोर वगैरह HR सिस्टम आपको मिल जाता है, अलर्ट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये चीज पार्क असिस्ट वगैरह फीचर मिल जाते हैं, दैट्स इट, इतने ही फीचर आपको इसमें दिए गए हैं। डूडल मिल जाता है जिससे आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, वॉट 3 वर्ड्स, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। म्यूजिक में आपको FM AM USB ब्लूटूथ ऑडियो iPod, बट iPod ये तो दिया ही नहीं है, iPod क्या किस काम का? ओ भाई iPod क्यों दिया है? अच्छा USB 2 शायद उसमें कुछ हो, USB 2 अपन ऑक्स में कन्वर्ट करने वाली जो फीमेल वायर आती है उसको लेके शायद इसको ऑपरेट कर पाए, अभी तक मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन iPod दिया तो शायद कुछ होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑक्स केबल कनेक्शन का नहीं दिया है कुछ भी। साउंड सिस्टम तो इस कार का बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। एंड अगर कुछ छूट रहा होगा तो सॉरी, ये देखिए यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे मिरर मिल जाता है आपको, सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड ये LED लाइट मिल जाती है यहाँ पे, बट पीछे आपको कोई लाइट नहीं दी गई, तो जब भी पीछे पैसेंजर कुछ अंधेरे में देखना चाहते तो उनको सामने वाली लाइट से पीछे पूरा विजिबल नहीं होता है, तो एक लाइट यहाँ भी दे देनी चाहिए थी। बाकी गाइस कुछ और नहीं है बताने के लिए, इसे सस्पेंशन, इसकी राइड क्वालिटी, स्टीयरिंग जो इसका फीडबैक है बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा, इंटीरियर भी काफी अच्छा लगता है मुझे। सो गाइस यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार बाहर से आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ लास्ट टाइम, इसको बंद करते हैं। हाइट भी आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते हैं। इसका थर्ड साउंड प्लीज सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, प्लीज 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 प्लीज, एंड उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ये है व्हाइट, ये है डार्क एडिशन। एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।